लगभग 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने से पढ़ने की उम्र सीमा हटा दी गई है। बलौदा में लगभग 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए शासकीय महाविद्यालय के नए भवन का भूमि पूजन 15 जनवरी 2022 को हुआ था। 18 महीने में लगभग 8 करोड़ की लागत से ये 36 कमरों का भवन बनकर तैयार हुआ है। भवन का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देश में नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने से पूरे देश में लॉर्ड मैकाले की पुरानी शिक्षा नीति को बदलते हुए महाविद्यालय में पढ़ने की उम्र सीमा को हटा दिया गया है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरह के भव्य कॉलेज का निर्माण भाजपा सरकार के विकासवादी सोच को दर्शाता है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस एक ऐसा प्राणी है जिसे विकास दिखाई नहीं देता, सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। प्रभारी मंत्री दत्ती गांव ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दौर स्पेशलाइजेशन का दौर है। पहले के समय में विकल्प कम होते थे, माता पिता ज्यादा सोचते नहीं थे, लेकिन अब किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल होना आवश्यक है। राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट व हाईटेक स्कूलों के समक्ष सीएम राइज स्कूलों की स्थापना भी की है। लागत से नए भवन का लोकार्पण हुआ है। इस अवसर पर माननीय विधायक यशपाल सिंह जी ने काफी मेहनत की थी, क्षेत्र की जनता को बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं इस पूरे भवन के लोकार्पण के साथ साथ मैंने कुछ घोषणा की है कि नए प्रकार के कुछ कोर्स भी चलाना चाहे तो सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से इसी सत्र से हम उनकी अनुमति देंगे। साथ ही साथ हमारे अपने क्षेत्र के अंदर भविष्य के लिए जिस प्रकार से उच्च शिक्षा में काम कर रहा है, नई शिक्षा नीति के माध्यम से ई लाइब्रेरी से लगा करके फर्नीचर या जो जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बताया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।